बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अफगानिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले मैं हकीकी टीवी को चाहने वालों और एतमाद करने वालों का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हकीकी टीवी की भरपूर कोशिश होगी कि अपने दोस्तों को किसी सूरत भी मायूस ना करें और आपके एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करता रहेगा। आपके कीमती वक्त की कदर करते हुए और आपका वक्त ज़ाया किए बगैर रुख करते हैं अफगानिस्तान का, जहां से आज हकीकी टीवी अपने देखने वालों के लिए बहुत ही शानदार और हकीकत पर मबनी खबरें सामने लाया है। अफगानिस्तान के सुबह ज़ाबिल में अफगान सिक्योरिटी अहलकारों ने बहुत से असलहा समेत अपने आप को अफगान मुजाहिदीन के हवाले किया है। आपको याद होगा चंद दिन पहले अफगान तालिबान की जानिब से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था कि अगर कोई भी दुश्मन अहलकार काबिल इंतजामिया को छोड़कर मुजाहिदीन की सफ में दाखिल होना चाहता है तो ऐसे अहलकारों को खुश आमदीद कहा जाएगा और साथ साथ उनके तहफ्फुज की जमानत भी दी जाएगी। कल की तारीख में पूरे अफगानिस्तान से इमारत इस्लामिया के मुजाहिदीन ने बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन हमले किए हैं और इतनी शानदार फतूहत हासिल की हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस ना करने पर इमारत इस्लामिया की फोर्सेस के साथ नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ बात होगी मुकम्मल सबूत के साथ और उन फतूहत के हवाले से ताज़ा तरीन फुटेज भी जारी करेंगे। यहाँ पर अहम तरीन मालूमात का सिलसिला जारी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हकीकी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। अफगान तालिबान की बहुत ही अहम फतूहत को डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूं कि कल सुबह हलमत के ज़िला जारश में अफगान तालिबान ने कार्रवाइयाँ करते हुए चार पुलिस अहलकारों को हलाक कर दिया है और इस हमले के नतीजे में बहुत से अहलकार जख्मी भी हुए हैं। कल की अहम तरीन कामयाबी वर्दक सुबह में ज़िला मैदान में इमारत इस्लामिया के मुजाहिदीन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फौज के एक बहुत बड़े बेस को और दो अहम तरीन चेक पोस्टों को अफगान सरकारी फौज से आज़ाद करा लिया है। यहाँ पर एक अहम तरीन डिवेलपमेंट जो सामने आई है वो एक दफ़ा फिर कठपुतली आर्मी का अफगान तालिबान को देकर फरार होना है। अगर हकीकी टीवी इस सूरत हाल के बाद यह कहने की जसारत करे कि अफगान कठपुतली फौज भागने के हवाले से पूरी दुनिया में नंबर वन पोजीशन लिए बैठी है तो हकीकी टीवी के कुछ दोस्त शदीद नाराज़ हो जाते हैं और वो हकीकी टीवी पर शदीद तनकीद करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सारी सूरत हाल में गलती किसकी है? जी हाँ, गलती उनकी है जो जंग का मैदान छोड़कर फरार हो जाते हैं। इस बात की हकीकी टीवी को समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि आर्मी उन दोस्तों की भाग जाती है और दूसरी जानब वो तनकीद भी हम पर करते हैं। अफगान तालिबान ने जिस बेस को अपने कब्जे में लिया है इसमें बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद मुजाहिदीन ने अपने कब्जा में ले लिया है, जिसकी फोटेज आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इमारत इस्लामिया के मुजाहिदीन कितने आराम से और कितने पुरहतमाद तरीके से यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप इन तालिबान को देख सकते हैं कि खुश्क रोटी पर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब हर तरह की सहूलियात होने के बावजूद वो अल्लाह के शेरों को शिकस्त नहीं दे सकते। अल्लाह के उन शेरों ने दुनिया के कितने सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। यहाँ पर एक अहम बात करता चलूँ, अल्लाह ताला का वादा है कि जहाद क़यामत तक जारी रहेगा, लेकिन कैसी अजीम ज़ात है कि वो ये काम एक ऐसी कौम से ले रहे हैं जो ना दिन को आराम करती है और ना रात को। खुश्क रोटी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके जब दुश्मन पर हमला करते हैं तो जाहिर है उस वक्त दुश्मन अपनी जूतों को छोड़कर भाग जाने में ही अपनी कामयाबी तसव्वुर करते हैं। दूसरी जानब अमेरिका के हफ्तावार मैगजीन न्यूज वीक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पेंटागन ने एक मजमूम कार्रवाइयों के लिए दुनिया की एक खुफिया फौज तश्कील दी है, जिसका बुनियादी मकसद अमेरिका और पूरी दुनिया में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करना है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान मर्दूद और खुफिया ताकतों के शर से महफूज रखे, आमीन। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हकीकी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करना ना भूलिएगा, शुक्रिया।